टाइगर के साथ एक दिन बिताना दोस्तों कैसा लगता है? टाइगर को इतने पास से देखना, उसके साथ खेलना और उसको प्यार करना, यकीन मानिए दोस्तों ये गजब का एक्सपीरियंस है। और ये कमाल का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको मिल सकता है सिर्फ थाईलैंड फुकेट शहर में, क्योंकि दोस्तों फुकेट में है दुनिया का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको बोला जाता है फुकेट टाइगर किंगडम। और दोस्तों मेरा जो थाईलैंड ट्रिप में, मैं ये ट्रिप मिस नहीं किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ पूरा डिटेल्स, टाइगर किंगडम आप कैसे जा सकते हो, कितना खर्चा पड़ता है, कैसे आप पैसा बचा सकते हो और वहाँ पर जाकर कैसा कैसा ऑप्शंस है, मीन्स कैटेगरी ऑफ टाइगर, कितने टाइप ऑफ टाइगर आप देख सकते हो और कैसे आप एक अच्छे से एक टाइगर किंगडम का ट्रिप प्लान कर सकते हो। दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। पहले तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रैवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। सो गाइज, पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, टाइगर किंगडम है एकदम फुकेट शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको जब कैब से अगर आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगेगा टू रीच टाइगर किंगडम। टाइगर किंगडम जाने के लिए मैं ग्रुप के साथ टाई अप कर लिया था, क्योंकि मेरे ही हॉस्टल में और 3 पंजाबी दोस्त थे, वो लोग भी जाना चाहते थे टाइगर किंगडम, तो हम लोग एक साथ ग्रुप में पहुँचे थे टाइगर किंगडम। अगर आप अकेले जाते हो तो टिकट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर आप ग्रुप में टिकट खरीदोगे तो प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। सो गाइज, हम लोग इस डिस्काउंट का फैसिलिटीज़ लिया और सुबह सुबह हम लोग निकल गए विथ आवर कैब। पतोंग रोड से जाने का टोटल टाइम लगा 20 से 25 मिनट मैक्स टू मैक्स, और पहुंचने के बाद हम लोग टिकट काउंटर में जाकर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग को पता चला दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कैटेगरी है, 3 टाइप ऑफ टिकट्स आपको मिल सकता है। कैटेगरी नंबर 1 है एकदम छोटा सा क्यूट सा बच्चा सा टाइगर। गाइस, इतना प्यारा सा टाइगर को एकदम आप गोद में लेकर आप खेल सकते हो, उसको फीड कर सकते हो, मिल्क फीड कर सकते हो और यू कैन स्पेंड अ वेरी गुड टाइम। दूसरा कैटेगरी था कि एक एडल्ट टाइगर। एडल्ट टाइगर का मतलब जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, 2 से 2.5 साल, 3 साल का टाइगर, एंड इट इज क्वाइट मैच्योर और देखने में तो बहुत ही बड़ा था। और गाइस, दो तीसरा वाला जो ऑप्शन था, इट वाज द जायंट टाइगर। गाइस, जायंट टाइगर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, आप तो दूर से ही देखकर आपको डर लग जाएगा। तो गाइस, हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद वी डिसाइडेड टू गो विद द सेकंड वन, मतलब एडल्ट टाइगर के साथ हम लोग एक ट्रिप प्लान किया। तो गाइस, टिकट का प्राइस पड़ा ऑलमोस्ट 500 थाई बट ईच हेड, बिकॉज अगर इंडिविजुअली खरीदोगे तो 200-250 रुपये ज़्यादा लग सकता था, बिकॉज हम लोग ग्रुप में खरीदा था टिकट तो थोड़ा सा कम डिस्काउंट मिला था। तो 500 थाई बट से हम लोगों का टाइगर किंगडम का जो टिकट हम लोगों को मिल गया। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा इंक्लोजर था, वहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4-5 टाइगर, इट वॉज जस्ट फ्री एंड रोमिंग अराउंड। गाइस, पूरा खुला हुआ था और उन लोगों का जो हैंडलर, मतलब जो ट्रेनर्स, उन लोगों के साथ खेल रहा था। तो जब यकीन मानिए बाहर से देखने के तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर जब गेट खोलकर हम लोगों को अंदर बुलाया गया, माई हार्ट बीट जस्ट गोज अप। आपको यकीन नहीं होगा गाइस, हाउ वॉज माई फीलिंग। टाइगर को, बाघों को हम लोग पिंजरे में ही देखते हैं और टीवी में ही देखते हैं, ऐसे खुल्लम खुल्ला टाइगर सामने से दौड़ भाग कर रहा था। पहला तो जो एक्सपीरियंस था, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। उसके बाद मुझको बुलाया गया टाइगर को प्यार करने के लिए। जस्ट सोचिए, इतना बड़ा टाइगर, जो इट वॉज अ पालतू टाइगर था, इट वॉज ट्रेन टाइगर, उसको प्यार करने के लिए मुझको बुलाया गया। तो मैं एज यूजुअल डर के मारे पीछे बैठ गया और आप देख सकते हो कैसे मैं टाइगर को प्यार कर रहा था, उसको पूछ पकड़ के, उसको पीठ के ऊपर, उसको पेट में, उसको सर पे, पूरा मैंने बहुत प्यार किया। एंड यकीन मानो, टाइगर इतना फ्रेंडली था, इतना फ्रेंडली था, वो हम लोग के साथ खेला, हम लोग के साथ टाइम स्पेंड किया। और कुछ ऐसा भी टाइगर थे थोड़े से गुस्से वाले, मीन्स जब हैंडलर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो सुन नहीं रहा था, दूसरे से वो लोग गुस्सा है वो दिखा भी रहा था, थोड़ा सा मैं डर भी गया था। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है, ये सेफ ही होगा, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से ये टाइगर को ट्रेन कर रहे हैं। और बाद में पता चला दोस्तों, टाइगर को एकदम छोटे बच्चे जब थे तब से ही 2-3 महीने से वो लोग पाल रहा था। तो इट लुक्स लाइक टाइगर, ये लोग बाघ जैसा दिखते, बाघ जैसे हैं, बट अंदर से एकदम पालतू जानवर जैसा, लाइक डॉग कैट के तरह ही बिहेव करते हैं। सो गाइज, ये था पूरा एंटायर टाइगर किंगडम का एक्सपीरियंस। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो, फुकेट जा रहे हो, तो टाइगर किंगडम को आपको तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बाघों को इतने करीब से देखना, टाइगर को प्यार करना, दोस्तों हर दिन तो आपको मौका कभी नहीं मिलेगा।
और हम लोग पूरा एक 3 से 4 घंटा स्पेन करने के बाद फिर से हम लोग कैब से होटल वापस आ गए। बट बिलीव मी, टाइगर किंगडम का जो इंटायर एक्सपीरियंस ये तो गजब का था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, होप सो यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग ट्रेवल वीडियोज। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।